नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। लांजी, कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरजवार के समर्थन में जगह जगह नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं जनपद उपाध्यक्ष अजय अफसरे द्वारा सभाओं को संबोधित करते हुए पंचायती राज की बात करते हुए अपने विचारों को जनता के बीच रखा एवं आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए 19 अप्रैल को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। मोदी जी ने कहा था कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मोदी जी का चाल और चरित्र चेहरा आप सबको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिख गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी मशीन लगी है जो भ्रष्ट नेताओं को क्लीन चिट देती है, और जो ईमानदार नेता है निश्चित ही आज एक सरपंच अगर कोई ना कोई काम कर रहा है और जनहितेशी में कोई ना कोई गलती अगर छोटी सी भी गलती हो जाए, सरपंच अगर चाहता है कि नियम से काम करे, तो मैं मानता हूं कि इस गांव की नाली की सफाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि सारे अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने रख लिए हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने रख लिए हैं। एकमात्र साइन मास्टर, साइन भी आदरणीय सरपंच साहब की पंचायत में नहीं होती। जो अधिकार ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत को, आदरणीय दिग्विजय सिंह के माध्यम से जो पंचायत अधिकार में मिले थे, सारे अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जनता से खींच लिया है। लेकिन आज अगर ये सरपंच कोई नियम विरुद्ध जनता के हित में काम करता है तो इसे जेल में भिजाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर देंगे। लेकिन वही हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने अदर्स पार्टी से लेकर के उन्होंने आज मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया, राज्यपाल बनाने का काम किया, और वही जहां ईमानदार आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने कहा था कि इस देश का मोदी चोर है, नीरव मोदी आप सब जानते करोड़ों रुपए लेकर के विदेश भाग गया, तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी चोर है, तो एक गुजरात की कोर्ट ने मात्र चोर कहने पर मोदी को आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी और कोर्ट के माध्यम से 2 साल की सजा सुना दी थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, आदरणीय राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी और कोर्ट की लड़ाई के माध्यम से वो क्लीन चिट। लांजी से खबर समय जगत के लिए रुपेश रावते की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।